राजस्थान सरकार जैसे बिहार सरकार भी लागू करे, बिहार में पेंशन जो बंद पड़ा उसको लागू करो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। सिर पर मटकी रख के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां आपको बताएं कि जिस तरह से 2004 में पेंशन को बंद कर दिया गया था, ऐसे में अब एक बार फिर से पेंशन को चालू करने की मांग की जा रही है और यही वजह है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को भी सामने रख रहे हैं। बता दें कि इस वक्त तस्वीर बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है, जहां पर वैशाली के भगवानपुर में वैशाली जिला नागरिक परिषद संगठन के द्वारा पुराने पेंशन लागू करने को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की बात कही जा रही है। इसके साथ ही वैशाली जिला नागरिक परिषद संगठन का कहना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन कानून को लागू किया गया है, उसी तरह बिहार में भी इसे लागू किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ कहना है वैशाली जिला नागरिक परिषद अध्यक्ष केदार यादव का, सुनवाते हैं आपको। बताइए प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 2004 से जो हमारे पेंशनधारी थे, जो कर्मचारी थे, जो रिटायर हो गए, वे दूसरे पर आधारित थे, लेकिन राज्य सरकार ने, कल राजस्थान सरकार ने जो कानून लागू किया, जो 2004 से जो बंद था पेंशन, उसको लागू करने का काम राज्य सरकार ने किया है, ये राजस्थान सरकार ने। उसी तरह से बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो राजस्थान सरकार लागू किया उस पेंशन नीति को, जो बंद पड़ा है 2004 से, उसको लागू करो बिहार में भी, क्योंकि लाखों कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए हैं, वो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। इसलिए 2004 से जो बंद है पेंशन, उसको बिहार सरकार भी लागू करे, और जिससे लाखों कर्मचारी में खुशी होगी। अभी राजस्थान सरकार लागू कर दिया है, उसी तरह से बिहार सरकार भी इस कानून को लागू करे, नहीं तो अभी अंगराई है, लड़ाई बाकी है, गाँव गाँव तक लड़ाई लड़ेंगे, संसद से सड़क तक, और विधानसभा कल चलेगा, उसमें भी हम लोग आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी से मांग करते हैं कि इसको बिहार सामने उठाएं और जल्द से जल्द बिहार में लाखों कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2004 से, उनको भी राजस्थान सरकार जैसा यहां भी कानून बनाया जाए और पेंशन दिया जाए। तो बता दें कि कल से बिहार में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में कई तरह की घोषणा और बातें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कही जाएगी। तो वहीं इस सत्र के पहले जो हंगामा है वो अब देखने को मिल रहा है, सिर पर मटकी रखकर और फिर उसे तोड़ने के साथ ही ये प्रदर्शन वैशाली की सड़कों पर देखा जा रहा है और जमकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। आपको बताएं कि 2004 में जो पेंशन है इसे रोक दिया गया था, जिसको अब एक बार फिर से चालू करने की जो ये मांग है वो की जा रही है, और इसी को लेकर जो उदाहरण है वो राजस्थान सरकार का दिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने पेंशन को लागू किया है, ठीक इसी तरह बिहार में भी बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाना चाहिए और जो पेंशनधारी लोग हैं, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनके हित में ये फैसले लेने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ ये मांग अब शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात होती है कि ये प्रदर्शन और कितना उग्र होता है और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है, इसका क्या नतीजा होता है और क्या जो मांग ये उठाई जा रही है पेंशन शुरू करने को लेकर, ये सीएम नीतीश कुमार की सरकार मानती है या नहीं। फिलहाल के ना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।